तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ गाइस। और मैं ये नया वर्ल्ड क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। और मैंने ये सीड डाल के वर्ल्ड क्रिएट किया है क्योंकि मैंने इसके अंदर मेरे एक ये वर्ल्ड ये सीड को मैंने पहले ही ढूंढा था। और यहाँ पे ये वर्ल्ड के अंदर 300-400 ब्लॉक चलने के बाद एक विलेज आता है, तो विलेज मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये वाली वीडियो गाइज में एक बहुत ही मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ गाइज, आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। जो बेसिकली ये वीडियो बिगिनर के लिए है, मतलब जो भी लोग को माइनक्राफ्ट खेलनी नहीं आती और जो भी लोग नए हैं जिसको माइनक्राफ्ट देखना पसंद है और खेलने की इच्छा हो रही है और माइनक्राफ्ट खेलनी नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है। तो गाइज वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा तो कि आपको क्या है कि हम आपको माइनक्राफ्ट पूरा, मुझे लगता है कि 100% आपको खेलना आ जाएगा। और आपको वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद क्या क्या करना होता है, बेसिक चीज़ क्या बनानी होती हो, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो साहब गाइज आपको सबसे पहले वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद ऐसे ही आपको किसी भी आइलैंड के अंदर, मतलब कहीं पर भी आपको स्पॉन कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है वुड की, तो इसमें देखिए गाइज मैं सबसे पहले वुड काट लेता हूँ। तो गाइज वुड की क्यों ज़रूरत है गाइज, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट गेम के अंदर सबसे पहले आपको वुड की ज़रूरत पड़ेगी और वुड आपको पूरी गेम के अंदर ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आपको वुड का बहुत ही महत्व है इसके गेम के अंदर, तो आपको वुड तो काटना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वुड काटना ज़रूरी है, तो मैं फटाफट से ये वुड पहले तो काट लेता हूँ। और वुड काटने के बाद गाइज आपको अपनी इन्वेंट्री ओपन कर लेनी है, जो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको तीन डॉट दिख रहे थे वहाँ से आपको ओपन हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री। और उसके बाद उसको यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे ही आपको प्लैंक जो वुड आपने काटा था वो उसको रखना है, तो उसके बाद वुड प्लैंक बन जाएगी। तो वुड प्लैंक आपको बना लेना है पूरा। और वुड प्लैंक बन जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले ही सबसे पहले बनाना है क्राफ्टिंग टेबल। इसके अंदर इसी के अंदर पूरा माइनक्राफ्ट आया हुआ है, इसी के अंदर आप क्राफ्टिंग कर सकते हो, तो इसी की वजह से आप सब कुछ बना सकते हो। आपको सबसे पहले बनानी है थोड़ी सी स्टिक, जैसे ही आप ऊपर नीचे दो ब्लॉक ऐसे प्लैंक रखेंगे तो आप स्टिक बना पाएंगे गाइस। तो ये बन गई है स्टिक। तो स्टिक बनने के बाद आपको क्या करना है गाइस, स्टिक बनाने के बाद आपको एक बनानी है एक्स। ये एक्स बन जाने के बाद आपको एक और बनानी चीज़ है जो एक होती है पिक एक्स। और गाइज एक्स का क्या ज़रूरत होती है गाइज, ये एक्स हमको वुड काटने के काम आती है, तो एक्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको सबसे ही पहले हमको वुड ही ज़्यादा काटना है, तो वुड के लिए हमको एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वुडन एक्स पहले बना लेंगे। और पिकेक्स का काम होता है स्टोन, जो यहाँ पर होगा तो स्टोन काटने के लिए आपको पिकेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज मेरे को ये चलते चलते मेरे को एक रूइन पोर्टल दिख चुका था, और जो भी बिगिनर है उसको ये समझ में नहीं आएगा, तो आप जैसे ही गेम सीखते जाओगे आगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और ये चेस्ट के अंदर कुछ सामान है, जो ये गोल्डन कैरेट है और कुछ क्या मेलन है, और ये फ्लिंट एंड स्टील है, थोड़ा सा आयरन नगेट है और एक गोल्ड का हेलमेट है। या आगे जाके ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो जिसको माइनक्राफ्ट खेलनी आती है और जो भी लोग माइनक्राफ्ट की वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा, जो भी नए हैं उसको नहीं पता होगा। तो गाइज कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में भी आपको आगे जाके बता दूंगा, तो गाइज कोई बात नहीं है। इतना हो जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि आपकी इतना टूल बन जाने के बाद आपको आगे टूल अपग्रेड भी करने होते हैं, ये थोड़े बहुत इतने मजबूत टूल नहीं होते। उसके बाद भी एक स्टोन के टूल आते हैं, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो इतना हो जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है गाइज, करके आपको आगे आपको होल ढूंढना है गाइज, क्योंकि इसके अंदर हमारे मेन टाइम में क्या है 20 मिनट जो आप गेम खेलोगे, और 20 मिनट के ऐसे ही खेलोगे तो यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट के अंदर पूरा दिन बीत जाएगा और नाइट हो जाएगी। हमारी रियल लाइफ के 20 मिनट आप गेम खेलोगे तो इसमें माइनक्राफ्ट के अंदर पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा और नाइट हो जाएगी, और नाइट के अंदर आ जाएंगे ज़ॉम्बीस, बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, तो आप मर सकते हो गाइस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शिप को मारना है। तो शिप मारने से क्या होगा कि आपकी फूड का भी हो जाएगा, फूड आप खाना भी आपको खाना पड़ेगा गाइस। नीचे की तरफ जो आप हार्ट के बाजू में देख रहे हो वो होता है, उसके हार्ट के बाजू में जो है वो है हंगर बार, उसको हंगर बार बोलते हैं। वो हंगर बार जैसे ही डाउन होगा उसका आपको फूड खाना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्थ ना जाए और आप मरे नहीं, इसलिए आपको फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 3 शिप को मार दिया है। तो गाइस
मेरे पास वूल इकट्ठा हो गया। और वूल से क्या कर सकते हैं गाइज, आपको बेड बनाना है। तो बेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको वही दिखा देता हूँ गाइज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रखना पड़ेगा और अपनी इन्वेंट्री ओपन करनी है। उसके बाद ऐसे देख रहे जैसे मैंने रखा हुआ है वैसे ही आपको नीचे 3 प्लैंक रखने हैं, ऊपर 3 वूल रखने हैं, तो आपका बेड तैयार हो जाएगा गाइज। ये बेड की आपको क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको रात को सोना पड़ेगा, नहीं तो ज़ोंबी आ जाएंगे। और जैसे ही आप बेड के ऊपर सो जाएंगे, कुछ ही सेकंड्स के अंदर सुबह हो जाएगी और पूरा दिन ऐसे ही पूरा रात ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बेड की, तो बेड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मैं आपको बता रहा था गाइज कि आपको स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये देखिए आपने पिकेक्स जो बनाई थी आपको स्टोन काटने के लिए काम आएगी। तो आप हाथ से स्टोन काटोगे तो आपको स्टोन नहीं मिलेगा, और आपको वुडन पिकेक्स से ही काटना है। तो यहाँ पर मैं पूरा स्टोन काट लेता हूँ, मैंने ये पूरा स्टोन काट लिया। तो ये पूरा स्टोन आपको काटने के बाद अपने टूल को आपको अपग्रेड करने के लिए ये स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आप स्टोन काटेंगे तो आपको मिलेगा कोबल स्टोन गाइज। तो कोबल स्टोन मिल गया आपके हाथ में, और आप इसके इससे अपने टूल को अपडेट कर सकते हो। तो हम पहले एक्स बना लेंगे, फिर बनाएंगे एक पिकेक्स। अब हमारे पूरे के पूरे हम टूल बनाने वाले हैं, तो हमको एक और सॉर्ड भी चाहिए। तो मैं हमारे पास देखिए मेरे पास स्टिक ख़त्म हो गई, तो मैं एक सॉर्ड भी बना लेता हूँ। और भी हथियार होते हैं जिसको एक सवल बोलते हैं, तो ये सवल भी मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। और एक होई होती है, होई का काम भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू के लिए हमको बस इतना ही चाहिए, और हमको इतना हो जाने के बाद गाइज अपनों ज़रूरी है आपको विलेज ढूंढना। तो विलेज आप ढूंढ पाओ तो अच्छी बात है, और ना ढूंढ पाओ तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने लिए बहुत सारा वुड काट के ऐसे ही रनिंग के लिए जहाँ पर आप हो वहीं पर आप अपना घर बना सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो गाइज। तो इतना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको छोटा सा एक हाउस बनाने के लिए आपको वुड या स्टोन कुछ भी काट के अपना हाउस बना सकते हो गाइज। और इसमें ये माइनक्राफ्ट बहुत बड़ी गेम है गाइज, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है। और जो भी बिगिनर है जिनको खेलना है, और मैं आपको 100% बताता हूँ कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आपको माइनक्राफ्ट कैसे सर्वाइव करना है। और बिगिनर जो है उनको समझ में आ जाएगा कि गेम कैसे खेली जाती है। तो आपको बहुत सारा वुड काट लेना है, उसके बाद आपको बना लेना है एक हाउस जहाँ पे भी आप हो, अगर आपको विलेज नहीं मिलता है। अगर विलेज मिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने आपको बताया था वैसे ही मेरे भी वर्ल्ड में नाइट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइज, मैं यहाँ पे सो गया था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर सुबह हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक देखिए फूल वाला बायोम है, ये पेड़ के ऊपर बी नेस्ट लगा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा फूल वाला बायोम है, तो इनके बारे में भी मैं आपको आगे जाके जितना ज़रूरी आपको होगा वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। तो गाइस कोई बात नहीं है, और मैं फटाफट से चलता हूँ मैंने जो बोला था वहाँ विलेज के पास। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने की तरफ मैं विलेज के पास पहुंच चुका हूं गाइज। तो मेरे को विलेज मिल चुका हो, तो आपको भी ऐसे विलेज मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ज़्यादातर विलेज के पास ही अपना घर बनाना, क्योंकि विलेज के पास घर होने की वजह से आपको विलेजर्स का भी फ़ायदा मिलेगा, और आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपको फूड की टेंशन नहीं रहेगी, आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और आपका घर होगा तो आपको विलेजर्स का भी आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गांव में रहने का मज़ा ही कुछ और है ना भाई। जंगल में रहोगे और गांव में रहोगे तो फ़र्क तो दिखेगा ना गाइस। तो कोई बात नहीं है गाइस, इतना तो चलता रहता है, तो कोई बात नहीं। हम तो आपको विलेज मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक विलेज के अंदर आ चुका हूँ गाइस। तो विलेज के अंदर आके आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका विलेज कितना बड़ा है, विलेज के अंदर क्या क्या कैसे कैसे विलेजर रहते हैं। और ये देखिए गाइज, ये जो इसको है आयरन गोलम बोलते हैं गाइज, ये आयरन गोलम पूरे विलेज का ध्यान रखता है, वो सिक्योरिटी करता है और पूरे विलेजर्स की सबका रखवाली करता है। और ज़ोंबी आते हैं तो उनसे बताता है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो विलेजर है इसको हम लाइब्रेरियन बोलेंगे गाइज, इसका नाम लाइब्रेरियन है। तो ये हमको बुक देता है, वो जो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। जिन लोगों को पता है उन लोगों तो पता ही होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं आगे जाके सभी विलेजर कैसे कैसे विलेजर होते हैं, कौन से काम करते हैं, कौन कौन से काम नहीं करते, वो सब मैं आपको जाके आगे जाके बताऊंगा गाइज। तो कोई बात नहीं है गाइज, मैं ये वाले विलेज के अंदर आ चुका हूँ, हमको विलेज मिल चुका है। तो यहाँ तक आप पहले
आप शुरू शुरू में इतना कर सकते हो गाइज। और ये आयरन गोलम हमारे गांव के अंदर पूरी तरह सब जगह पे घूमता रहता है गाइज। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइज, जो आपको विलेज मिल जाने के बाद आप थोड़े दिन के लिए इसे सर्वाइव कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए वाली वीडियो में बस इतना ही मैं रखूँगा, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तो जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइज जो भी लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज नमस्कार।